Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. चलो वाईएनडी न्यूज में आपका स्वागत। मैं रवि मिश्रा, नई सोच नई खबर के साथ में। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका शिक्षण मंडल नवगर प्राथमिक मराठी शाला 13 नंबर और 29 नंबर में खड़ा हूँ। आइए जानते हैं किस तरह शिक्षकों की कमी के वजह से बच्चे स्कूल छोड़। एक तरफ जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी शिक्षा पर अपना पुरजोर दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ओर शिक्षा को लेकर काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है। हमारे यहाँ पर जिस तरह मैं आज ही इस बात का हमारे सामने आया कि एक ही टीचर संभाल रही है, आज ये हालत है हमारी शिक्षा को लेकर। कंप्यूटर लैब तो है लेकिन वो पिछले 2 साल से बंद पड़े हैं, इसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है। और जहाँ तक यहाँ पर हालत इतनी दयनीय है कि एक टीचर दो क्लास को एक ही साथ में चला रही है, कैसे किस तरह ये हैंडल करते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। टमेटो, बिस्किट, ब्रश, टॉवल, पुलिस, कोट, टेबल, टीवी, बस, आज मैं दिखाता हूँ आपको वार्ड क्रमांक 11 के शाला नंबर 13 में कि किस तरह से शिक्षकों की कमी की वजह से आज यहाँ बच्चों को क्या तकलीफ झेलनी पड़ती है, आइए इन बच्चों से खुद ही जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम चिन्मय है। आप कौन सी क्लास में हो? 7th स्टैंडर्ड। आपको यहाँ पे कैसी मतलब शिक्षक क्या फैसिलिटीज है? हमारी शिक्षा यहाँ पर बहुत अच्छी होती है, बस हमारे पास टीचर्स की बहुत कमी है। अभी तीन टीचर अभी है, एक टीचर 2 क्लास को सिखाते। आप जैसे कि मैं जानता हूँ कि आप एक ही टाइम पे हम लोग को पहले 1st स्टैंडर्ड को पढ़ा दिया, बाद में 7th स्टैंडर्ड। यहाँ से आप तक कितने बच्चे यहाँ से छोड़ कर गए, आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? 6 बच्चे छोड़ के चले गए। ये टीचर नहीं होने की वजह से छोड़ देंगे? हाँ, वो दो शाले में गए थे, वापस आ गए। यहाँ पे आ गए, तो ये बच्चे कैसे आए, पीछे चल आए या टीचर्स के यहाँ? यहाँ से अभी मेरे कुछ बच्चों से बात हुई, उनको टीचर ने रिक्वेस्ट किया, ऐसा उन्होंने कहा। हाँ, उधर उस टीचर ने नहीं बोला ना, आज स्कूल थी इससे वो यहाँ। थैंक यू। आपका नाम? थैंक यू।